सूखे की मार झेल रहे बिहार में मानसूनी बारिश का सिलसिला चलने से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। बता दें, पटना, गोपालगंज, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, वैशाली समेत राज्य के 20 जिलों में मंगलवार को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इन जिलों में बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। वहीं राज्य के अधिकतर जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश होने के चलते धान की रोपनी प्रभावित हुई है। आपको बता दें, मंगलवार को राजधानी पटना के अलावा गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, भोजपुर, मध्यपुरा समेत अन्य जिलों में आसमान से राहत बरसी है। इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं मौसम बदलने से यहां तापमान में भी कमी आई है। आपको बता दें कि साथ ही किसानों में धान की रोपनी की उम्मीद जगी है। पानी गिरने से खेतों में धान की बुवाई हो सकेगी। बात की जाए तो बीते 24 घंटे के भीतर बिहार के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम हिस्से में मॉनसून मेहरबान हुआ है। वहीं राज्य में गुरुवार को शेखपुरा में सर्वाधिक 37.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। राज्य में अभी तक महज दो जिले किशनगंज और अररिया में ही औसत से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं अन्य सभी जिलों में यह आंकड़ा सामान्य से कम रहा है। बात की जाए तो 21 जिलों में तो अभी बारिश की कमी 50% से ज्यादा है। ऐसे में राज्य में सूखे का संकट गहराया हुआ है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार को उत्तरी बिहार में मॉनसून संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उत्तरी हिस्से में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं दक्षिण बिहार, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और मध्य बिहार में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं।